हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मंदीप और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल जो है स्टार्ट हो चुकी है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड बिग बिलियन डे सेल। आज यानी कि 2 तारीख को रात को 12 बजे को हो गई थी सेल स्टार्ट, प्लस एंड प्राइम मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस। तो क्या कुछ ऑफर्स जो हैं इस वाली सेल में किए गए हैं ऑफर दोनों ही साइड्स की तरफ से, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा और कौन से ऑफर्स, कौन सी डील्स ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम करेंगे उसी के बारे में बात। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। बाकी गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जरूर करें सब्सक्राइब। और इसी वीडियो में मैं आगे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो भी लोग आईफोन परचेज कर रहे हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार अमेजोन की। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने ओपन किया अमेजोन का पेज, तो इसमें सबसे ऊपर ही आ रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लाइव नाउ ओनली फॉर प्राइम मेंबर्स। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो डील्स हैं वो ये कर रहा है शो। तो सबसे ऊपर जो है अभी आ रहा है इसमें एप्पल वॉच SE के बारे में, तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं डिस्कस। हालांकि इसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, सुबह जो प्राइसेस थे वो डिफरेंट थे, अब हो चुके हैं डिफरेंट। तो एप्पल वॉच SE का अगर आप 40 mm वाला GPS वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको इस बार पड़ रहा है 21,900 का, सुबह ये था 20,900, तो 1,000 रुपये इसमें जो है वैल्यू इन्होंने कर दी है इंक्रीज़, वो जो है आपको पड़ रही है सेल में 21,900 की। और उसके ऊपर जो है आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 2,000 रुपये का आपको इस पर मिल जाएगा डिस्काउंट। तो ये आपको पड़ेगी 19,900 की, पहले ये 18,900 की पड़ रही थी, बट अब थोड़ा सा कर दिया उन्होंने प्राइस इंक्रीज़, बिकॉज जैसे कि अब सेल में प्राइस इसके काफ़ी अच्छे आ गए थे तो लोगों ने परचेज़ काफ़ी किया, तो इस वजह से इसके प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। अगर उसी में आपको 44 mm चाहिए तो वो आपको मिलेगी 23,900 की, उस पर भी 2,000 रुपये का मिलेगा आपको कैशबैक, उसके बाद इंस्टेंट डिस्काउंट, तो आपको पड़ जाएगी ये 21,900 रुपये की। तो ये तो थे कुछ प्राइजेज जो आपको एप्पल वॉच SE पर मिलेंगे। बाकी अगर किसी को एप्पल वॉच सीरीज 6 चाहिए तो सीरीज 6 में 2 वेरिएंट्स हैं जिन पर डिस्काउंट, प्रोडक्ट रेड हैं दोनों, तो उसमें एक है GPS 40 mm और एक है दूसरा है GPS प्लस सेलुलर 40 mm। तो दोनों की जो प्राइसिंग है वो GPS की जो है 40,900 MRP थी, तो उस पर 6,000 रुपये का है ऑलरेडी डिस्काउंट, उसके बाद ही आपको पड़ेगी 35,000 की। और उस पर जब आप ऑर्डर करेंगे HDFC क्रेडिट कार्ड से तो आपको 3,250 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है 30,000 से ऊपर है, तो उस पर जो है एडिशनली आपको 1,250 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट। इसी के साथ साथ अगर आप इसका GPS प्लस सेलुलर लेते हैं तो उसकी MRP 49,900 है और इस सेल में जो उसकी प्राइसिंग है वो है 39,900, तो उस पर भी जो है आपको अगर आप क्रेडिट कार्ड से फुल पेमेंट करते हैं तो आपको 3,250 रुपये जो है उसका मिलेगा डिस्काउंट। तो ये आपको फाइनल पड़ जाएगी 36,750 रुपीज़ की। तो ये है कुछ ऑफर एप्पल वॉचेस पे। अब इसके बाद एक बार देख लेते हैं iPhones पे क्या कुछ ऑफर इस वाली सेल में दिए गए हैं। अब अगर बात करें iPhone 11 की, तो iPhone 11 पे जो है आपको इस वाली सेल में जो प्राइस है वो मिल रहा है 38,999, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इस वाले डिवाइस पर जो है कोई भी ऑफर जो है आपको नहीं मिलेगा। वो क्लियरली इसके ऑफर्स में मेंशन भी किया गया है दैट HDFC बैंक ऑफर डज नॉट अप्लाई टू दिस। तो iPhone 11 जो है आपको एग्जैक्ट इसी प्राइस पर पड़ेगा 38,999 फॉर द 64 GB, और अगर आप इसका 128 GB लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 43,999 रुपीज़ का। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप iPhone XR लेते हैं तो iPhone XR जो है आपको इस वाली सेल में पड़ेगा 32,999 का, और उस पर भी सिमिलर है कोई ऑफर नहीं आपको मिलेगा। तो 64 GB पड़ेगा 33 का, और अगर उसी में आप 128 लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 37,999 का। तो iPhone XR और 11 का आप ध्यान रखें कि उन दोनों डिवाइसेस पर जो है आपको कोई भी बैंक का ऑफर नहीं मिलेगा, उनकी जो प्राइसिंग दी गई है वो उसी प्राइसिंग पर आपको मिलेंगे, विच इज़ 33 फॉर 64 एंड 38 फॉर 128 GB। अब इसी सेल में अगर हम बात करें iPads की, तो iPads में iPad Air जो है उस पर दिया गया इस वाली सेल में डिस्काउंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं iPad Air का 64 GB वाला वेरिएंट जो है जिसकी MRP है 54,900, वो आपको इस सेल में मिलेगा 42,900 रुपीज़ में, यानी कि 12,000 रुपये का है इस पर डिस्काउंट। और इसी पे अगर आप इसको परचेज़ करते हैं एडिशनली, तो आपको जैसे कि ये भी मैंने बताया 30,000 से ऊपर की है परचेज़, तो इस पे जो है आपको 4,000 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट। तो ये आपको फाइनली पड़ेगा 38,900 रुपीज़ का। तो ये काफ़ी अच्छी डील है अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं। अगर आप EMI पर लेते हो तो आपको इस पे 4,250 रुपये का एग्जैक्ट 10% मिलेगा, ऑलमोस्ट 10% मिलेगा डिस्काउंट। तो ये थी डील iPad Air की। उसी के साथ साथ अगर बात करें अब हम MacBooks की, तो MacBook में बेस वेरियंट जो है 7 कोर GPU एंड 8 कोर CPU वाला 256 GB वाला आपको मिलेगा 78,990 रुपीज़ का, और इसको अगर आप अपने HDFC के कार्ड से फुल पेमेंट करते हैं तो इस पर आपको मिलेगा 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट, उसके बाद ही आपको फाइनल पड़ेगा 74,990 रुपीज़ का। बट इसमें मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी डील जो एक आई है वो आई है MacBook Pro की। अगर आप MacBook Pro लेते हैं और उसमें अगर आप 512 GB वाला वेरियंट लेना चाहते हैं तो उसकी जो MRP है वो तो है 1,42,900, लेकिन इस सेल में आपको मिल रहा है 1,28,000 रुपये का। और इसमें 1,28,000 रुपये में अगर आप परचेज़ करेंगे जैसे कि 1,00,000 से ऊपर की है परचेज़, तो इसमें आपको एडिशनल 7,500 रुपये का मिलता है डिस्काउंट। तो फाइनल जो इसमें आपको मिलेगा 10,750 रुपये का मिल जाएगा डिस्काउंट फुल पेमेंट पे। और अगर आप EMI पे लेते हैं तो वहाँ पे पड़ेगा आपको 11,000 रुपये का।
तो 10,750 रुपये लेस करने के बाद भी आपको पड़ेगा 1,17,000 रुपये का। तो मेरे हिसाब से मैकबुक प्रो अगर जो लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। 1,17,000 रुपये में आपको मैकबुक प्रो मिल रहा है, वो भी 512 GB वाला। अगर इसी में मैकबुक प्रो में आप 256 GB वाला वेरिएंट यानी कि बेस स्टोरेज लेते हैं तो उसकी जो यहाँ पे सेल प्राइस है वो है 1,09,990 यानी कि 1,10,000 है उसकी प्राइसिंग। और उस पे जो है आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा सेम 10,750 रुपये का। तो ये आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये का पड़ेगा ये वाला आपको डिवाइस। तो ये है कुछ ऑफर्स जो आपको मैकबुक पे मिले हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई मैकबुक एयर का 512 GB लेना चाहता है तो वो आपको पड़ेगा 1,03,000 रुपये का इस वाली सेल में। और जैसे कि ये भी 1,00,000 से ऊपर की है परचेज, तो इसमें भी जो है आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 10,750 रुपये का। तो ये आपको पड़ेगा 92,000 रुपीज़ का। तो ये कुछ अच्छी डील्स हैं मैकबुक्स पर अगर आप लेना चाहते हैं तो। इसी के साथ साथ अगर कुछ और एप्पल डिवाइसेस की बात करें जिन पे ऑफर जो है अमेज़न ने दिए हैं तो आप एयरपॉड्स ले सकते हैं। एयरपॉड्स प्रो जो है इस वाली सेल में आपको मिल रहे हैं 16,990 यानी कि 17,000 रुपये के आपको पड़ेंगे एयरपॉड्स प्रो। और इसको अगर आप परचेस करते हैं तो इस पे जो है आपको 1699 यानी कि 1700 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट। तो ये आपको पड़ेंगे 15,300 रुपये के फाइनल जो है आपको कॉस्ट करेंगे एयरपॉड्स। तो ये है गाइस कुछ डील जो अमेज़न ने इस बार की है ऑफ़र। और इसमें जो है आप अगर चाहें तो आज अगर आपके पास प्राइम की मेंबरशिप नहीं है तो 129 रुपीज़ की प्राइम की मेंबरशिप आप परचेज़ कर सकते हैं। बिकॉज प्राइजेज जो हैं वो धीरे धीरे ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे एप्पल वॉच SE का सुबह तक 9900 था, बट अब 2000 रुपये बढ़ के वो हो गया 21,900। उसी तरह से जो उसका 44mm वाला वेरिएंट था उसकी प्राइसिंग 22,900 थी, वो भी अब हो चुकी है 23,900। तो अगर आपको परचेस करना है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप डेफिनेटली आज परचेस कर लीजिए, बिकॉज कल जब नॉर्मल यूजर्स के लिए सेल होगी स्टार्ट तो डेफिनेटली उस वक्त तक इनके प्राइसेज जो हैं और भी ज़्यादा हो चुके होंगे इंक्रीज़। और स्टॉक की अवेलेबिलिटी भी जो है ये हो सकता है कलर आपको आपकी मर्ज़ी का ना मिले किसी भी डिवाइस में, अगर आप आईपैड लेते हैं या आईफोन्स भी लेते हैं। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप डेफिनेटली आज कंसीडर कर सकते हैं इसको परचेस करने के लिए। प्राइम का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप प्राइम मेंबरशिप कर सकते हैं परचेज़। आज रात 12 बजे तक का है आपके पास टाइम, उससे पहले पहले आप परचेस करके इन डिवाइसेस को कर सकते हैं परचेज़ और बेनिफिट उठा सकते हैं इस प्राइसिंग का। अब अगर बात करें फ्लिपकार्ट की तो फ्लिपकार्ट पे भी जो है सेल प्लस मेंबर्स के लिए हो चुकी है स्टार्ट, नॉर्मल यूजर्स के लिए कल से हो जाएगी स्टार्ट। तो ये है सबसे ऊपर इसका टीज़र और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें जो है शो कर रहा है ये सारी डील्स। तो सबसे नीचे अगर हम जाएं स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे आपको दिखेगा आईफोन 12 और उस पे जो प्राइस है गाइज एक्चुअली में बहुत क्रेजी प्राइस इन्होंने दे दिया है। 49,999 रुपीज़ जो है वो है इसकी प्राइसिंग। और फ्लिपकार्ट पर भी अगर आप 30,000 से ऊपर की करते हैं परचेज़ तो आपको एडिशनली 1,750 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये है 49,999 का डिवाइस और इसके ऊपर नॉर्मल जो है वो है 1,500 रुपये का डिस्काउंट। तो अगर आप 30,000 से ऊपर की करते हैं परचेज तो आपको एडिशनली 1,250 प्लस 250 रुपये यानी कि टोटल 3,000 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट। तो अगर आप इसका 64 GB वाला वेरिएंट लेते हैं जिसकी प्राइसिंग यहाँ पर है 50,000 तो वो आपको फाइनल पड़ेगा 47,000 रुपीज़ में। और अगर आप इसका 128 GB लेना चाहते हैं तो 128 GB की प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर आ रही है 55,000 और उसमें भी जो है 3,000 रुपीज़ हो जाएंगे लेस। तो ये आपको पड़ेगा 52,000 रुपीज़ का। हालांकि ये प्राइसिंग जो है इंक्रीज़ हो चुकी है, मैंने रात को खुद ऑर्डर किया एक आईफोन 12 जिसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो उसमें जो है उस वक्त जब मैंने इसको प्लेस किया था ऑर्डर उसकी जो सेल प्राइस था वो था 53,999 यानी कि 1,000 रुपये का जो था इसमें हो गया है इंक्रीमेंट और मुझे वो फ़ोन पड़ा है 51,000 का। इसी तरीके से जो इसका 64 GB वेरियंट है उसकी भी जो प्राइसिंग थी वो 48,999 थी और ये पड़ रहा था 46 का। तो इसकी भी जो प्राइसिंग है 1,000 रुपये कर दिया इन्होंने इंक्रीज़। बाकी अब अगर बात करें आईफोन 12 मिनी की तो 12 मिनी का 64 GB इस वाली सेल में आपको मिलेगा 37,999 का सेल प्राइस और उस पर भी जो है आपको 3,000 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट। तो ये आपको पड़ेगा 35,000 का। हालांकि इसकी भी प्राइसिंग जो 1,000 रुपये इन्होंने कर दिया इंक्रीज़। रात को जब सेल स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त इसकी प्राइसिंग जो थी वो थी 36,999 तो 1,000 रुपये जो है इस पर हो गए इंक्रीज़। और उसी में अगर 128 GB वेरिएंट की करें बात तो उसकी जो प्राइसिंग है वो है 42,999 यानी कि 43,000 है उसकी प्राइसिंग और आफ्टर 3,000 कैश इंस्टेंट डिस्काउंट ये आपको पड़ेगा 40,000 रुपीज़ का। 1,000 रुपये इन्होंने कर दिया इंक्रीज़ और ये 1,000 रुपये जो है ये रात को ही हो गए थे इंक्रीज़। मैंने भी रात को 12 बजे सेल पे अगर जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा मैं कंटिन्यूस प्रेस कर रहा हूँ ऑर्डर करने के लिए, बट बार बार जो है अनेबल टू प्रोसेस योर ऑर्डर आ रहा था ड्यू टू हाई सर्ज जो भी कुछ इश्यूज इसमें आ रहे थे तो मेरा ऑर्डर नहीं हो पा रहा था प्लेस। और उस वजह से जो है मेरे को पूरा 1.5 घंटा लग गया था, 45 मिनट्स पूरे लग गए थे ऑर्डर प्लेस करने में और उसके बाद जाके मेरा हुआ था ऑर्डर प्लेस। और जैसे ही मैंने प्लेस किया उसके 10 मिनट के बाद ही इसकी प्राइसिंग जो है वो कर दी थी उन्होंने इंक्रीज़, 1,000 रुपये बढ़ गए थे इसके प्राइस। तो इसी वजह से गाइज़ अगर आपको लेना है तो आप आज ले सकते हैं, अदरवाइज़ कल जो है इसकी प्राइसिंग 1,000 से 2,000 रुपये और ये कर सकते हैं इंक्रीज़ डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, बिकॉज ये फ़ोन जो है जिस प्राइस पे ऑफर किया गया बहुत ज़्यादा ये बिक रहा है और डेफिनेटली इस बार ये मोस्ट सेलिंग डिवाइस होने वाला है एप्पल की तरफ से फ्लिपकार्ट पर इस वाली सेल में। तो अगर आपको लेना है आईफोन 12 या 12 मिनी तो डेफिनेटली यही टाइम है अभी आपके लिए आईफोन 12 लेने का।
बाकी आईफोन एस सी की अगर बात करें तो आईफोन एस सी जो है इस वाली सेल में 64 GB आपको मिल रहा है 27,000 रुपीज़ का, और उस पर जो है आपको मिलेगा 1500 रुपये का डिस्काउंट, तो ये आपको पड़ेगा 25,500 का। इसकी भी जो प्राइसिंग कर दी गई है इंक्रीज़, अदरवाइज़ जब टीज़र लॉन्च किया था और सेल स्टार्ट हुई थी तो ये जो था इसकी प्राइसिंग थी 25,999 और आफ्टर डिस्काउंट ये 24,500 का पड़ रहा था, तो अब जो है 27,500 का कर दिया गया है। और बाकी अब अगर बात करें इसके 128 GB वाले वेरियंट की तो उसकी जो प्राइसिंग है वो है 31,999, यानी कि 30,000 से ऊपर की है परचेज़, तो इस पर भी जो है आपको 3,000 रुपये का मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट, और उसके बाद ये आपको पड़ेगा 28,999 रुपीज़ का। तो मैंने भी लास्ट ईयर जब लिया था आईफोन SE 128 GB तो उसकी भी 30,000 से ऊपर की थी प्राइसिंग 31, तो उस वक्त भी मुझे जो है 3,000 के डिस्काउंट के बाद वो पड़ा था 28,000 रुपये का, तो इस बार जो है ये पड़ रहा है 29,000 का, इनमें भी जो है 1,000 रुपये का कर दिया गया इंक्रीमेंट। तो ये है कुछ प्राइसिंग आईफोन पर। और इसके अलावा अगर बात करें हम आईपैड्स की, तो iPad Air का जो इसमें ऑफ़र दिया गया है Flipkart पे वो एग्जैक्टली सेम है जो Amazon पर आपको मिलेगा। 64 GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 42,900 रुपीज़ का, और इसमें जो है जैसे कि ये भी मैंने आपको बताया कि 30,000 से ऊपर की हुई है परचेज़, तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा 4,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट, क्योंकि 40,000 से ऊपर की है ये परचेज़, तो 30,000 से ऊपर का आपको 1,250 प्लस 40 का 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा इस पर डिस्काउंट, तो ये फाइनल आपको पड़ेगा 38,900 रुपीज़ का। ऑलमोस्ट सेम इसी प्राइस पे जो है ये आपको मिल रहा है Amazon पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी जो है आपको 4,000 रुपये का मिल रहा है डिस्काउंट। इसके अलावा अगर किसी और iPad पर यहाँ पर मिला है डिस्काउंट तो वो कुछ खास नहीं है, iPad थर्ड जनरेशन जो है iPad Pro उस पर जो है सिर्फ 6,000 रुपये का है डिस्काउंट, जो कि ऑलरेडी काफ़ी पहले से ये वाला डिस्काउंट चलता हुआ आ रहा है। इसी के साथ साथ मिनी जो पुराने वाले हैं डिवाइसेज उनके ऊपर कोई भी नहीं है डिस्काउंट, तो जो मेन डिस्काउंट इस वाली सेल में आपको मिला है वो आपको मिला है iPad Air 4 पर 64 GB वाले वेरिएंट पे, स्पेशली बिकॉज इसका 256 GB वाला जो है उस पर कोई खास डिस्काउंट नहीं है, 4,000-5,000 रुपये का है सिर्फ फ़र्क। तो अगर किसी को iPad लेना है तो आप iPad Air डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस पे ये आपको इस वाली सेल में दिया गया है ऑफर। अब अगर इस पर भी बात करें हम MacBooks की, तो MacBook Air जो है बेस वेरिएंट 256 GB वाला, इसकी जो प्राइसिंग है वो सेल में शो हो रही है 80,000 रुपीज़, और यहाँ पर जो है ये आपको पड़ेगा फाइनल 72,000 रुपीज़ का, यानी कि Amazon से सस्ता आपको मिलेगा Flipkart पर, बिकॉज इस पे जो है ये 80,000 से ऊपर, इनका क्राइटेरिया 80,000 से ऊपर का है और Amazon पे जो है वो 1,00,000 से ऊपर का था, तो इसमें जो है आपको टोटल 8,000 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट, तो फाइनली आपको 256 GB वाला मिलेगा 72,000 रुपीज़ का। और इसी में अगर आप 512 GB लेते हैं तो उसकी जो प्राइसिंग है वो है 1,05,000, तो ये आपको पड़ेगा फाइनली 97,000 रुपीज़ में। तो दोनों ही वेरिएंट जो है काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू Amazon, प्राइसिंग जो है काफ़ी सही आपको मिल रही है, 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है प्राइसिंग में। अब अगर कोई MacBook Pro लेना चाहता है तो उसका 256 GB वेरिएंट जो है इस वाली सेल में आपको मिल रहा है 1,10,000 रुपये का, और आफ्टर डिस्काउंट 8,000 रुपये का मिलेगा आपको डिस्काउंट, तो ये आपको पड़ेगा 1,02,000 रुपये का। इसी में अगर आप 512 GB लेना चाहते हैं तो 512 GB की प्राइसिंग एक्जैक्टली सेम है जो Amazon पर है, विच इज़ 1,27,990, बट आफ्टर डिस्काउंट ये आपको पड़ेगा 1,19,990 रुपये का। तो ये है कुछ प्राइसिंग जो आपको इस वाले डिवाइस पे मिलेगी, 8,000 रुपये का है डिस्काउंट। अगर कोई गाइज मैकबुक लेना चाहता है तो दोनों ही सेल्स जो है काफ़ी अच्छा जो है आपको डील कर रही है ऑफ़र, दोनों में से जहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिले आप वहाँ से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्लिपकार्ट से लेना ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप मैकबुक एयर लेना चाहते हैं, बट अगर आप मैकबुक प्रो लेना चाहते हैं तो वो जो है आपको बेटर डील मिलेगी अमेज़ॉन पे, बिकॉज वहाँ पर जो है आपको 1,17,990 यानी कि 1,18,000 रुपये का पड़ेगा मैकबुक प्रो 512 GB, जबकि यहाँ पर आपको पड़ रहा है 1,20,000 रुपये का। तो ये तो थी गाइस कुछ प्राइसिंग जो मैकबुक्स की है इस वाली सेल में। इसके अलावा अगर बात करें हम फ्लिपकार्ट पर ही एयरपॉड्स की, तो एयरपॉड्स प्रो जो हैं इस वाली सेल में आपको मिल रहे हैं 16,990 यानी कि एग्जैक्टली सेम प्राइस जो आपको मिल रहा था अमेज़ॉन पे, और फाइनली जो है इसमें ये आपको पड़ेंगे 15,291 रुपये के आफ्टर 1699, एग्जैक्टली सेम डिस्काउंट है यही अमेज़ॉन पर है। और अगर कोई एयरपॉड्स 2 लेना चाहता है चार्जिंग केस वाले तो उनकी जो प्राइसिंग है वो इस वाली सेल में है 9,000 रुपये, और इस पे जो है आपको 900 रुपये का मिलेगा डिस्काउंट, तो ये आपको पड़ेंगे 8,100 रुपीज़ के। और अगर कोई वायरलेस चार्जिंग केस वाला लेना चाहता है तो उसकी प्राइसिंग है 15,399, और इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 1,540 रुपये का, उसके बाद ये आपको पड़ेंगे 13,859 यानी 13,859 रुपीज़। तो ये तो थी कुछ प्राइसिंग। अगर कोई एयरपॉड्स प्रो मैक्स लेना चाहता है, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है, बट उस पर भी जो है इस वाली सेल में मिला है काफ़ी अच्छा डिस्काउंट, 10,000 रुपये सस्ते, ऑलमोस्ट 11,000 रुपये आपको मिल रहे हैं सस्ते। तो 60,000 रुपीज़ जो थी इनकी MRP थी, और ये आपको इस सेल में मिल रहे हैं 49,000 रुपीज़ के, और आफ्टर डिस्काउंट 4,000 रुपये का मिलेगा आपको डिस्काउंट, तो उसके बाद आपको पड़ेंगे 45,000 रुपीज़ के। तो गाइज़ ये तो थे कुछ ऑफर्स जो एप्पल की तरफ से इस वाली सेल में आपको किए गए ऑफ़र। अब जो सबसे मेन बात मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि जैसे मैंने भी लास्ट ईयर जो है आईफोन SE किया था परचेज़, और 128 GB वाला वेरिएंट, उसी के साथ साथ iPhone XR भी, और मैंने जो लिए थे वो थे पुरानी पैकेजिंग वाले जिसमें कि आपको एक्सेसरीज भी मिल रही थी साथ में। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि जब मैंने उसको परचेज़ किया और उसके कुछ दिन के बाद मुझे उसमें कुछ इश्यूज़ लगे, तो जब मुझे पता लगा कि मेरे जो एक्सेसरीज है दोनों की दोनों हैं फेक, एयरपॉड्स ईयरपॉड्स एंड लाइटनिंग केबल दोनों मुझे मिली थी फेक,
और उसके लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा हैसल करना पड़ा था, 1.5 से 2 महीने मेरे लग गए थे दोनों ही डिवाइसेस, दोनों ही एक्सेसरीज़ का रिफंड लेने में, क्योंकि पहले जब मैंने वेरीफाई कराया मुझे एयरफोन्स में इशू आया तो मुझे पता लगा वो फेक है, उसको रिफंड लेने में मुझे लग गया लगभग 1.5 से 2 महीने जो कि मेरे को मेरे फ्लिपकार्ट पर मिला। और उसके बाद जब उसकी लाइटनिंग केबल में इशू आया तो मुझे पता लगा वो भी फेक है, तो उसका भी जो है मैंने बाद में लिया था रिफंड, बाहर से की थी मैंने परचेज़। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो भी लोग, चाहे वो आप अमेज़ॉन से ले रहे हो चाहे फ्लिपकार्ट से, जो भी डिवाइस आप ले रहे हैं सबसे पहले आप जाते ही उसको वेरीफाई कराएं एप्पल के सर्विस सेंटर से, बिकॉज अभी लेने के साथ ही 7 से 10 दिन की आपको मिलती है रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तो अगर उसमें कोई भी इशू आपको लगेगा या कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट होगा कि ये फेक है तो वो एप्पल के सर्विस सेंटर वाले आपको कर देंगे क्लियर, और उसके बाद जो आप ले सकते हैं रिप्लेसमेंट। अदरवाइज़ उसके बाद अगर आप करेंगे तो सेल भी ख़त्म हो चुकी होगी, उस वक्त आपको वो वाली प्राइसिंग भी नहीं मिलेगी और ना ही ये लोग आपको जो है रिप्लेसमेंट देंगे पूरे डिवाइस की। तो ज़्यादा बेटर है कि आप लें और लेते के साथ ही जाके अपने डिवाइस को करा ले वेरीफाई, और उससे जो है आपको एक पीस ऑफ माइंड हो जाएगा कि हमने जो चीज़ परचेज़ की है वो एकदम ऑथेंटिक है, उसमें कोई भी काउंटरफीट पार्ट नहीं है, कोई भी लोकल पार्ट उसमें नहीं डाला गया है, कोई भी एक्सेसरी चेंज नहीं, हालांकि अब जो पैकेजिंग आ रही है उसमें सिर्फ आपको डिवाइस और लाइटनिंग केबल ही मिलती है, बट स्टिल इट्स बेटर टू गेट योर डिवाइस वेरीफाइड, और कोई भी डाउट जो है वो दिमाग से हो जाता है ख़त्म। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप अपने जितने भी कोई भी डिवाइस आप ले रहे हैं, चाहे आप आईपैड ले रहे हैं, मैकबुक ले रहे हैं, एयरपॉड्स ले रहे हैं या फिर आप आईफोन्स ले रहे हैं, तो इनको जो है आप ज़रूर से ज़रूर जाकर कराएं वेरीफाई। बाकी गाइज, जो मैंने आईफोन 12 परचेज़ किया है वो शायद से मोस्ट लाइकली आज ही हो जाएगा डिलीवर, तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो जो है वो भी मैं कल डाल दूंगा पूरी डिटेल के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से जिनको भी सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी और वो भी जो है अपनी मनपसंद के डिवाइस को कर सकेंगे परचेज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं अपनी सभी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।